सब्सक्राइब करें माय हिंदी टेक चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय हिंदी टिप्स यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको SBI की तरफ से आ रहे एक न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर फ्रेंड्स आप एक SBI कस्टमर हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर को बैंक धोखाधड़ी और सुरक्षित बैंकिंग के लिए एक नया कदम उठाया है। SBI ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से अपने ग्राहकों को बताया है कि वो 1 जनवरी 2020 से ATM से पैसे निकालने के नियम में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि 1 जनवरी 2020 से SBI के ATM से पैसे निकालने में क्या बदलाव किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि SBI अपने ग्राहकों को बैंक धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नया सर्विस को लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है OTP बेस्ड केस विथड्रॉल सिस्टम, जो 1 जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा। इस सर्विस के तहत फ्रेंड्स, आप जब भी ATM से 10,000 या फिर 10,000 के ऊपर की राशि को निकालेंगे तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा और उस OTP को सबमिट करने के बाद ही आप पैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10,000 के नीचे की राशि को ATM से विड्रॉल करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी OTP देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, इस OTP की जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब आप रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे के अंदर ATM से पैसे विड्रॉल करते हैं। और ये नियम फ्रेंड्स सिर्फ SBI के ATM पर ही लागू होंगे। अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तो वहाँ पर आपको OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कुछ भी जानना हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।